हम डॉक्टर साहब आए और दिखाए, पहले कोई बता दिया था, हम आए दिखाए, हमको गोड़ इतना परेशान था, इतना घुटना में दर्द था कि हम यहाँ आए, दो तीन ट्रीटमेंट हुआ हमारा, गोड़ हम चलने लगे। चार मंजिल पर हम रहते थे, लेकिन मन करता था कि नीचे उतर जाए, लेकिन हम उतर नहीं पा रहे थे। लेकिन अब तो हम उतर के चढ़ भी जाते हैं, चढ़ के उतर भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 15 हम ट्रीटमेंट कराए, 15 ट्रीटमेंट कराने से हमको बहुत यहाँ ठीक है। फिर भी वो दवा भी चलाए हैं, लेकिन ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट से हमारा गोड़ बहुत अच्छा हो गया है, अभी तो बहुत चल रहे हैं, बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन हमारा तो बहुत आराम है। मेरे तो 8-10 साल से कमर के घुटनों में दर्द था, और मैं अभी इनकी ट्रीटमेंट ले रही हूँ। हाँ, वो सारी दवाई थी वो बंद हो गई। अच्छा। सीढ़ी में भी चढ़ पाती हूँ और थोड़ा घूम भी रही हूँ, अभी फर्क है, अभी ट्रीटमेंट चल रहा है जी। हमको अच्छा लाभ मिला है, शरीर मतलब थोड़ा हल्का हो गया है और अच्छा महसूस हो रहा है, दर्द भी थोड़ा कम है और अच्छा चल पा रही हूँ। मित्रा है मेरी, 60 साल की उम्र है, मैं काफी दिनों से परेशान रहती थी और कहीं से भी लाभ नहीं मिला, यहाँ पर पता चला सिद्धा वालों के पास। यहाँ पर आने के बाद 10 ट्रीटमेंट मिले थे, अब उसके बाद ट्रीटमेंट मिलने से कोई दवाई नहीं खाई है, इनके पास ही मुझे काफ़ी लाभ है और अब मैं ठीक हूँ। मेरा नाम तालेवर सिंह है, मैं ऊंचा गांव डिस्ट्रिक्ट कुलम शहर का रहने वाला हूँ। मेरे घुटनों में 15-16 वर्ष से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, मेरा खड़ा होना भी दुश्वार था, खड़ा नहीं हुआ जाता था, और मैंने बहुत इलाज कराया। मैं स्वयं भी आयुर्वेद शास्त्री हूँ और जगह जगह पर इलाज कराने के बाद मुझे कोई आराम नहीं मिला, और काफ़ी परेशान होने के बाद मुझे ये वैदिक की सिद्धा वालों का पता चला, तो तब मैं इनके पास आया। यहाँ आकर मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया तो मुझे तीसरे ट्रीटमेंट में ही लाभ महसूस हुआ, और अब मैं बिना किसी सपोर्ट के चल फिर सकता हूँ, आरा ठीक प्रकार से घूम फिर सकता हूँ। जी नमस्कार, मैं नोएडा सेक्टर 66 से रहता हूँ, और मैंने अपने माता जी का घुटने का इलाज करने के लिए बहुत जगह परेशान हुआ, बट मैंने एम्स में 1.5 साल उपचार किया, वहाँ से कोई बेनिफिट नहीं मिला है, और वहाँ से जो डॉक्टर थे वो बोले थे कि घुटने को रिप्लेसमेंट करना है, लेकिन बट मैंने वहाँ से दवा बंद कर दिया। उसके बाद हमने कोई और फरीदाबाद में कोई डॉक्टर थे, वो भी आयुर्वेदिक दवा था, उनसे कभी 5-6 महीने दवा किया, वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने अपोलो में गया, अपोलो में भी डॉक्टर थे, मैं उनसे भी दिखाया साल भर, उनसे भी कोई रिलीफ मेरे को नहीं मिला। बट मैं बहुत जगह से परेशान होने के बाद, मैं डॉक्टर साहब थे आचार्य जी, उनके पास मैंने आया, और मैं जो किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कि यहाँ पर जाकर देखिए, मैंने यहाँ आने के बाद वहाँ का जानकारी मिला, फिर मैंने उपचार करना शुरू किया, और मेरे माता जी कम से कम घुटने से इतना सूजन था, उसमें इतना दर्द था वो चल नहीं पा रहे थे, और 2-3 महीने अपने बेड से मतलब सीढ़ी छत से नीचे नहीं आ पा रही थी, इतने उस वक्त पेन था, और उस घुटने में बहुत ज़्यादा पूरी सूजन था कि मतलब स्वेल इतना हो जाता कि उसका कोई उपचार ही नहीं था। मैं बहुत जगह से थक गया, और फिर यहाँ मैंने इस इलाज करना शुरू किया, और इलाज कर और भी एक्सरसाइज होने लगा, और उसके बाद 2-3 ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे बिना दवा का, और वो भी 2-3 ट्रीटमेंट में 20-30% मेरे को रिलीफ मिल गया, और 15 ट्रीटमेंट में 100% मेरे को पूरा ट्रीटमेंट में रिलीफ हो गया मेरे 15 ट्रीटमेंट में ही। वही 1.5 महीने का लमसम में 1 महीने का प्रोसेस चला, और इस दवा से मेरे को मतलब
ट्रीटमेंट से इतने मतलब रिलीफ हो गया